1 फरवरी 2020 को पेश किए गए आम बजट में एलआईसी के आईपीओ लाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम की दोनों शाखाओं के समस्त कर्मचारियों ने एवं अधिकारियों ने संयुक्त आह्वान पर एक घंटे की हड़ताल की और केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें क्लास 1 फेडरेशन, क्लास 2 फेडरेशन एवं नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक साथ मिलकर केंद्र सरकार का विरोध किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की दोनों शाखाओं के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने संयुक्त आह्वान पर एक घंटे की हड़ताल की तथा केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए आम बजट में एलआईसी के आईपीओ लाने पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें क्लास 1 फेडरेशन, क्लास 2 फेडरेशन एवं नॉर्थन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक साथ मिलकर सरकार के इस रवैये का विरोध किया। सरकार लगातार सरकारी क्षेत्र का विनिवेश करने में लगी हुई है। पहले बीएसएनएल, उसके बाद एयरलाइंस, फिर आईडीबीआई बैंक और अब एलआईसी को बेचने का विधेयक बना रही है, जिसका विरोध भारतीय जीवन बीमा निगम की समस्त शाखाओं में एक घंटे की हड़ताल से किया जा रहा है और सरकार को चेताया कि अगर एलआईसी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया गया तो समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। मैं अंकुश कुमार, शाखा सचिव भारतीय जीवन बीमा निगम से, हम आज एक घंटे का बहिर्गमन स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि अभी 1 फरवरी 2020 को जो आम बजट पेश किया गया है उसमें केंद्र सरकार जो है वो एलआईसी को शेयर मार्केट में लाना चाह रही है, क्योंकि जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो फिर हम अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक पे जाएंगे। सरकार ने बजट में ये घोषणा की कि 10% जो है एलआईसी को बेचा जाएगा, उसके विरोध में हम ये संघर्ष का जुगल बजा दिया है और जब तक ये सिलसिला यदि इन्होंने अपनी बात ये इसको हटाई नहीं की तो इसको बेचा नहीं जाएगा, तब तक हम इस संघर्ष को तेज करते रहेंगे और तेज करेंगे। सरकार आज हर क्षेत्र को, हर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को बेचने में पर आमादा है और एलआईसी जिसने रेलवे को, जिसने बैंक को, आईडीबीआई को लिया और आज उसको भी बेचने के ऊपर सरकार आमादा है, तो ऐसी जो इनकी नीति है उसका हम विरोध करते हुए हम संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष को और भी तेज करेंगे और लोगों के जो पैसे हैं, जो इसके अंदर बचत है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार चाहे कैसा भी कदम लेगी उसका हम बराबर विरोध करेंगे और जनता को भी, जो पॉलिसी होल्डर है उसको भी साथ में लेंगे और इनका जो है मनसूबे जो है हम उनको पूरे नहीं होने देंगे, ये हमारा मानना है। और आज हमारे अंदर क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक जितने भी हैं, मतलब कर्मचारी हैं, ईवन हम जो पेंशनर हैं या हमारे जो एजेंट है, फील्ड फोर्स है, वो भी इस संघर्ष में शामिल होगी और ईवन पॉलिसी होल्डर भी को भी हम इसमें शामिल करते हुए और इस संघर्ष को और व्यापक करते हुए और सशक्त करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम हरनाम सिंह वर्मा, सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशन एसोसिएशन का, हिमाचल यूनिट का मैं सचिव हूँ और मेरे साथ इसी AIPA के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मेरे साथ खड़े हैं। हम AIPA की तरफ से, पेंशनर की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से और दूसरे जो हमारी एसोसिएशन है,
क्लास वन की है, क्लास टू की है, क्लास थ्री की और फोर की है, इनकी तरफ से हम इकट्ठा होते हुए हम ये काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त चलाए छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।